दिल्ली में दुकानें तोड़ी गई तो दिल्ली का चीफ मिनिस्टर कहता है उस इलाके में बांग्लादेशी रोहिंग्या रहे थे, घर गांव में 22 घरों को तोड़ दिया गया, 140 मुसलमान जेल में, 5 पर एनएसए लग गया। तो मध्य प्रदेश का कांग्रेस का सावेका चीफ मिनिस्टर बोलता है कि पैसे देते मुसलमानों को पत्थर फेंकने के लिए, हम क्या बिकने वाले हैं? क्या हम अपने जमीन का सौदा कर सकते हैं? तुम्हारी सोच में ये है, तुम हमको इस सब की निगाहों से नहीं देखते। कौन पुकार रहा है? कौन आवाज दे रहा है? कौन जागीरपुरी को जाता है रात के अंधेरे में? कौन कैरोली राजस्थान के इंसाफ की बात कर रहा है? यही दीवाना मल्ले सत्यहाद मुस्लिमी कर रही है।